अब अलग अलग काम के लिए अलग अलग ऐप नहीं, हर दुकानदार की बस एक ही ऐप बिग ब्लिस। बिग ब्लिस चुने, केवल 30 सेकंड में अपने स्टोर को दुनिया के सामने लाएं, अपने कारोबार को बढ़ाएं, मुनाफा कमाएं, खुशियां कमाएं। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। मध्य प्रदेश में सोयाबीन के प्रमाणित बीज की दर तय कर दी गई है। इस पर सरकार 2000 रुपए का अनुदान भी देगी। किसानों की सुविधा के लिए 25 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज सुरक्षित रख लिया गया है। राज्य सरकार ने इसी तरह अन्य फसलों के बीज की कीमत भी तय कर दी है। पंजीकृत किसानों से प्रमाणित बीज खरीदने की दर भी तय कर दी गई है। राज्य में 15 जून के आसपास पहली बारिश के तुरंत बाद बुआई का काम शुरू कर दिया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार अनुदान की राशि भी किसी भी बीज वितरण संस्था को किसानों को भुगतान करने के लिए नहीं दी जाएगी। किसानों को सहकारी समिति और बीज संघ के माध्यम से दिए जाने वाले बीजों की दर तय कर दी गई है। किसानों को नगद में दिया जाने वाला बीज ऋण पुस्तिका में दर्ज कराना होगा। बीज वितरण पर अनुदान की पात्रता केवल मध्य प्रदेश के किसानों को ही मिलेगी। बीज अनुदान की राशि सीधे किसानों के खाते में जमा कराई जाएगी। कृषि विभाग के अधिकारियों के अनुसार अनुदान की राशि किसी भी बीज वितरण संस्था को किसानों को भुगतान करने के लिए नहीं दी जाएगी। बीज संस्थाओं को अधिकतम 30% बीज नगद में बेचने की छूट है। इसके साथ ही पंजीकृत किसानों से प्रमाणित बीज खरीदने की दर भी तय कर दी गई है। इसके अनुसार सोयाबीन का बीज 7500 रुपये प्रति क्विंटल है। रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।